दूसरी काफ़ी भेज सकते हैं के पास में। अब उसके नाइन स्किल जो है मैथ में तो इतना पड़े क्लास टेन। गुड मॉर्निंग बॉयज, गुड मॉर्निंग गर्ल्स, गुड मॉर्निंग टू योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। सप्लीमेंट्री रीडर, फूड प्रिंट्स विदाउट फीट, लेसन नंबर टू, द थीफ्स स्टोरी, पेज नंबर 12। I went back. Hey, Ramu! I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the club. मैं वापस बाजार गया और क्लॉक के सेंटर में बैठ गया, क्लॉक टावर के सेंटर में बैठ गया। क्लॉक टावर की शरण में बैठ गया। ये लाइट नहीं जली क्या? ज्यादा कम हो जाता है। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी रात के 12 बजा रही थी। क्लॉक को हिंदी में जानना चाहें आपको, वॉच और क्लॉक का अंतर, रिस्ट वॉच होता है, दीवार घड़ी को क्लॉक कहते हैं। द क्लॉक शोड द मिडनाइट, आई फेल्ट फॉर द नोट्स। फील की एक मीनिंग होती है टटोलना। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट्स को टटोला। दे वर डैम फ्रॉम द रेन। डैम मीन वेट, भीगी, गीली। रेन के कारण वो गीली थी। अनल्स मनी, अनिल का रुपया। In the morning, Subha, you probably have given me. उसने शायद उसको दिया होता 2 or 3 रुपीज टू गो टू द सिनेमा, सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो सारे रुपये मेरे ही पास है। आई कुडंट कुक हिज मील्स। मैं उनके भोजन भोजन नहीं पका सका। रन टू द बाजार, बाजार दौड़ के नहीं जा सका। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, अब पूरा वाक्य अब मैं नहीं लिख सका, क्योंकि आई हैव फॉरगॉटन अबाउट देम। मैं सब कुछ उसके बारे में भूल गया था। इन द एक्साइटमेंट टू द थेफ्ट, थेफ्ट की उत्तेजना में, थेफ्ट से पैसा मिला है तो हैप्पीनेस है। होल
whole sentences, pure vakya. I knew could one day bring more than a few hundred rupees. Pure vakya. मैं जानता था कि एक दिन और वन डे ब्रिंग मी मोर देन 200 रुपीज, कुछ 100 रुपए से ज्यादा. इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील. चोरी करना तो एक साधारण सा काम है, एंड समटाइम्स जस्ट सिंपल वॉज समथिंग एल्स. और कभी कभी एज सिंपल टू रिकॉर्ड सिंपल मीन्स यहाँ पे इजी. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. Utna hi simple. Pakde jaane mein bhi utna hi simple. But to be a really big man, a clever and respected man, लेकिन बड़ा आदमी चतुर और सम्मानित व्यक्ति होना कुछ अलग बात थी. वॉज समथिंग एल्स. आई कुड गो बैक टू अनिल. आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने को समझाया कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए. इफ ओनली to learn to read and write. So I read and learn to read and write के लिए, पढ़ने और लिखने के लिए. Keep only cost to learn to read and write. I hurried back to the room, feeling very nervous. मैं बहुत नर्वस फील कर रहा था. वापस में कमरे की ओर तेजी से बढ़ा, नर्वस महसूस कर रहा था. फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग. क्योंकि कोई चीज चुराना तो आसान है, देन टू रिटर्न इज अनडिटेक्टेड मीन्स अननोटिस्ड. और उसको लौटाना कि कोई जान न पाए, कोई जान न पाए और चोरी का रुपया हमने लौटा भी दिया. स्टील करना इजियर है, लेकिन उस रुपए को बिना अननोटिस्ड वापस कर देना ये कठिन है. I opened the door quietly. धीरे से दरवाजा खोला. Then he stood in the doorway. डोर में मैं खड़ा रहा. इन क्लाउडेड मूनलाइट. मूनलाइट में जो क्लाउडेड है, जो क्लाउडेड है बादल है. अनिल वॉज स्टिल स्लीप. अनिल अभी भी सो रहा. आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड. मैं बेड के हेड तक, सिरहाने तक क्रीप किया, रेंगा, रेंगते हुए गया. एंड माय हैंड केम अप विद द नोट्स. और मेरा हाथ पकड़ा नोट्स लिए हुए. आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माय हैंड. अपने हाथ पर मैंने उसकी सांस को महसूस किया. I remained still for a minute, एक मिनट तक मैं खामोश रहा. Then my hand found the edge of the mattress. और तब मेरे हाथ में गद्दे का
और आया, किनारा आया, एंड स्लीप अंडर इट विद द नोट्स. और इसके नीचे मैं नोट्स के साथ स्लिप कर गया, सरक गया, घुस गया. आई वो लेट नेक्स्ट मॉर्निंग. अगली सुबह मैं जागा. आई वो लेट नेक्स्ट मॉर्निंग तो आयशा वाइंड दैट तो आयशा दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड कि अनिल जो है वो चाय पका चुका था. उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया. देर वॉज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स. उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपी का नोट था. माई हार्ट सैंक. मीनिंग आई फेल्ट सैड. माई हार्ट सैंक मीनिंग आई फेल्ट सैड. मुझे बहुत दुख हुआ. I thought I had been discovered. मैं समझ गया कि मुझे पकड़ लिया गया है. ये राज खुल गया है कि चोरी मैंने किया. I made some money yesterday. He explained. उन्होंने explain किया. उन्होंने बताया कि he had made some money day before. कल कुछ रुपया उन्होंने कमाया था. नो यू पेड रेगुलरली. अब मुझे रेगुलर पेमेंट मिलेगा. माई स्पीड रोज. इससे मेरा हौसला बढ़ गया. माई स्पीड रोज मेरा हौसला बढ़ गया. माई स्पीड रोज मेरा हौसला बढ़ गया. बट वैन आई टुक द नोट. लेकिन जब मैंने नोट लिया तो मैंने देखा कि इट वॉज स्टिल बेट. इट वॉज स्टिल डन फ्रॉम द नाइट रेन. रात की वर्षा के कारण ये अभी भी गीला था. टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सेड. ने कहा कि आज हम लोग सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे. वो जान गया था. मैंने जो बैठ चलाया था ये वो जान गया. लेकिन न तो उसके होंठ न उसकी आँखें दोनों से किसी ने ये चीज़ को प्रकट नहीं किया कि वो जान गया. आई स्माइल्ड एट अनिल इन मोस्ट अपीलिंग वे. बहुत ही अट्रैक्टिव वे में. अपीलिंग की मीनिंग गिवन है अट्रैक्टिव वे में. मैं अनिल की ओर देख के मुस्कराया. एंड स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट. और स्माइल मुस्कराहट अपने आप आई बिना कोई एफर्ट के बिना कोई कोशिश के. बट नाइदर इज लिप्स नॉर इज आईज शोड एनीथिंग. पर ये जो बस ये रहस्य की जो बात थी ना तो उसके लिप्स से होंठों से और न ही उसकी आँखों से प्रकट हुई. उसने प्रकट नहीं किया. And his smile came by itself. मुस्कराहट बिना प्रयास के by itself अपने आप यानी बिना किसी प्रयास के यानी स्वयं ही मुस्कराहट स्वयं ही आ गई without any effort बिना प्रयास के.
क्वेश्चन नंबर वन, पेज नंबर 40. What are Harishi's reactions, प्रतिक्रियाएं, प्रभाक्षणिक प्रतिक्रिया to the prospect of receiving an education? Do they change over time? Compare, for example, the thought, I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. With these later thoughts, old sentences, I knew I could one day bring me, I knew. Old sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man was something else. What moves in the temple? Answer. Anil was teaching Hari Singh to write sentences. Hari Singh's reactions changed from time to time. First, comma. He thought if he learned L-E-R-N-E-D, if he learned to write, like an educated man, he could do his work. More finely, by any advice. But later, he thought that it was a simple matter, but to be
a really good man. Is something different. Please stop. But to be a really good man is something different. Please stop. At this thought, he decided to return to Anil. Full stop. His conscience CONSCIENCE his conscience did not allow him. His conscience did not allow him to betray Anil about the ways and speech. Question number 2. Why does Anil hand the thief over to the police? Do you think more people would have done so? In what ways is Anil different from such people as? Anil thief ko chor ko police ko kyon nahi deta? क्या सोचते हैं ज़्यादातर लोग ऐसा ही किए होते? किस रूप में अनिल जो है ऐसे एम्प्लॉयज से डिफरेंट है? आंसर, अनिल डिड नॉट हैंड ओवर him to the police because Hari Singh had been reformed, सुधर गया था, सुधार हो गया था, because Hari Singh had been reformed. And it was clear, from the fact that he had returned to Anil. ये शो करता है कि वो रिफॉर्म हो गया है. पुलिस स्टॉप. देयरफॉर कॉमा Anil did not hand over. Anil did not hand over him to the police.
to the police. Police stop. If there was some other employer, in place of Anil, comma, he would have handed over. He would have handed over Hari Singh. To the police, handed over Hari Singh to the police, full stop. Anil was different from such employers. As he knew KNEW, as he knew that a social evil like theft cannot be cured. Through police, THROUGHS, through POLICE police. Talk about it. Question number one. Do you think people like Anil and Hari Singh are found only in fiction, or are there such people in real life? Answer. Generally, people like Hari Singh and Anil are rarely bound in real life. Police job. No one has a sense of
forgiveness, forgiveness like anil, and no one really, and no one really gets reformed, and no one really gets reformed like Hari Singh in real life. In real life, Krishna, it happens only in fictions, only in fictions. That's all.